शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें? शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? क्या हो गया भाई? भाई मेट्रो में ऐसे कैसे, मतलब मेट्रो का एक स्टैंडर्ड है यार, बिकनी बिकनी पहन के आओ, कहीं कोने में किस करो, या एटलीस्ट सीट के लिए लफड़ा करो, या किसी को यहाँ लड़के आईपीसी के सेक्शन बताओ। भाइयों भैया भैया, अगला स्टेशन कौन सा है यार? कौन सा है? पूरे दिल्ली मेट्रो में रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं और ये साला पूछता है कि अगला स्टेशन कौन सा है? मारो। अरे भाई, कैसे कपड़े पहन के आ रही है मेट्रो में? ये तो माहौल खराब कर रही है, डर शर्म ही नहीं रहा लोगों ओ में। भाई, उसके कपड़े छोटे नहीं है, तेरी सोच। आज तो कपड़े ही छोटे हैं भाई। नहीं सॉरी नहीं यार, नहीं सॉरी यार भाई, नहीं, सोच को बोल लेते भाई साहब आप कुछ। नहीं नहीं सोच सही है भाई आपकी। तो आज हमारे वीडियो में रोस्ट प्लस कमेंट्री प्लस एंटरटेनमेंट प्लस न्यूज प्लस ओपिनियन सब कुछ है। वायरल बिकनी मेट्रो गर्ल के बारे में तुम्हें पता ही होगा, कैसे नहीं पता होगा। भले ही एक बार को तुम रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट क्या चल रही है वो भूल जाओगे, पर मेट्रो के अंदर वाली लड़की ओए होए होए, वही तो आजकल मजे का टॉपिक है पूरे सोशल मीडिया पे। तो अब देखो, इस वाली चीज में मजे आने के अलावा दो चीज हो रही है, एक तो पब्लिक वर्सेज पब्लिक ओपिनियन और एक पब्लिक वर्सेज ये लड़की का ओपिनियन। तो पब्लिक आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि कोई तो कह रहा है भैया ये वल्गर है, ये ऑब्सेनिटी है, कोई कह रहा है कि भैया ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है, और कोई कुछ नहीं कह रहा, वो चुपचाप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले रहा है और मजे ले रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो ब्रांड न्यू आईफोन 14 में बदल जाए तो वो भी सिर्फ ₹1 में, वीडियो को आगे तक देखते रहना। सबसे ऊपर बात आती है लो एंड ऑर्डर की। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्लोजेस्ट लो एंड ऑर्डर है वो है आईपीसी 292 एंड 294, बट उसमें कपड़े पहनने का, वल्गैरिटी का, ऑब्सेनिटी का इस तरीके से जिक्र नहीं है। वहां पे वल्गैरिटी या ऑब्सेनिटी का जिक्र ऐसे है कि आप कोई वल्गर या न्यूड या इस तरह की कोई मैगजीन या ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग, मतलब ऐसा कोई स्टफ अगर किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो या किसी की मर्जी के बिना, किसी के कंसेंट के बिना रिकॉर्ड कर रहे हो या वायरल कर रहे हो, तो वो उस लॉ के अंडर आती है। मतलब इस चीज से रिलेटेड सबसे क्लोजेस्ट आईपीसी में यही सेक्शन है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, जैसे कि आप किसी के कंसेंट से ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने कंसेंट से ऐसी चीजें फॉरवर्ड कर सकते हो अपने से रिलेटेड। तो शॉर्ट में बोले तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में ये चीज इतनी स्पेसिफाइड नहीं है अभी तक। Who the hell are you to comment on my clothes? Huh? Who are you? क्लोथ्स होंगे तो उनके ऊपर कमेंट होगा ना मैडम। ये बात तो हम भी कहते हैं, किसी को कोई हक नहीं है किसी के कपड़ों के ऊपर बोलने का, किसी के आउटफिट, किसी के अटायर या किसी की पर्सनल चॉइस पे बोलने का, बट यहाँ पे मुद्दा आ रहा है पब्लिक प्लेस में ये पहनने का। Who are you? शक्ल देखी है अपनी? नहीं, मैंने तो बहुत बार देखी हुई है, पर अगर कभी आपको फुर्सत मिलेगी तो एक बार प्लीज फ्रंट कैमरा खोल के जरूर देखना मोबाइल का। अब अगर एकदम टू द पॉइंट बात की जाए, जो कि हम अपनी वीडियो में हमेशा टू द पॉइंट ही करते हैं, घुमाएंगे नहीं, तो ये पूरा गेम जो है अटेंशन एंड क्लाउड चेजिंग का है, जो कि इन्होंने ले भी लिया। अगर मैं आपको इनका इंस्टाग्राम दिखाऊं, जो मैं दिखा नहीं पाऊंगा ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, मेरी वीडियो हट जाएगी, बट मैं इनका इंस्टाग्राम बायो जरूर दिखा सकता हूं आपको। #actress#model द वायरल डेली मेट्रो गर्ल, दिस इज माई ओनली ऑफिशियल अकाउंट। न्यूज वालों को इंटरव्यू में कह रही है कि ये सब क्लाउड के लिए, फेमस होने के लिए या अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए नहीं कर रही, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्हें एक्टर बनना है और एक्टिंग में ये सब काम नहीं आता। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ फेम के लिए कोई लड़की इतना कर लेगी? जबकि इनका इंस्टाग्राम तो कुछ और ही कह रहा है। ये तो इस चीज में फील ले रही है कि मेट्रो में जो वायरल लड़की है वो मैं ही हूँ, किसी फेक अकाउंट को फॉलो ना करें। और इससे ज्यादा एक तरफ कह रही है इनके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, दूसरी तरफ 1000 फॉलोअर, 2000 फॉलोअर, 5000 फॉलोअर, 10000 फॉलोअर होने की अच्छी अपने इंस्टाग्राम हाइलाइट्स पे डाल रही है। ये तो हिपोक्रेसी हो रही है जी, बहुत भयंकर। चलो अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे जीत सकते हो ब्रांड न्यू आईफोन 14। सो 10th अप्रैल को इंडियन T20 लीग में मैच है बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ का। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप डाउनलोड करो माई इलेवन सर्कल ऐप और वहां पे अपनी टीम बनाओ। और सबसे बढ़िया बात यह कि इस ऐप पे कॉम्पिटिशन बाकी ऐप के कंपेरिजन में बहुत कम है। वहां पे ज्वाइन करो गिव अवे कॉन्टेस्ट और पाओ मौका जीतने का एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। और इस कॉन्टेस्ट की फीस है सिर्फ ₹1, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 10th अप्रैल वाले मैच के लिए ही वैलिड है, और ये एक्टिवेट होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही। टूर्नामेंट के हर एक मैच डे में होता है मेगा कॉन्टेस्ट, जहां पे आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू ऑडी A4 साथ में ₹1 करोड़ भी, और इस कॉन्टेस्ट की फीस है ओनली ₹49। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओ और मेरा कूपन कोड यूज करो Lakshya23 टू गेट 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट प्लस ₹1500 बोनस भी। अब बात कर लेते हैं इस लड़की के क्या पॉइंट से खुद को जस्टिफाई करने के। सबसे पहले तो वही जो इंडिया में एक कार्ड चलता है, मेरी मर्जी, क्योंकि इट इज माई चॉइस, मैं जो पहनना चाहती हूँ वो मैं पहन सकती हूँ। दूसरा उर्फी जावेद का फैशन और उस फैशन से उर्फी जावेद का फेमस होना। तीसरा, इन्होंने खुद की मेट्रो में बिकनी पहन के घूमने वाली हरकत को बहुत सारे अघोरी जो नागे अखाड़े होते हैं उनसे और जैन जो बाबा होते हैं उनसे कंपेयर किया है कि वो भी तो बिना कपड़ों के सड़क पे घूमते हैं। अब सबसे पहले इनका तीसरा ही पॉइंट मैं पकड़ लेता हूं कि भाई आपने अपनी इस कपड़े वाली बात को तो उनसे रिलेट करके जस्टिफाई कर लिया। मैं भी कहता हूं बिल्कुल घूमते हैं बिना कपड़ों के और आप भी घूम सकते हो, बट सबसे पहले उनके जितना त्याग कर दो, उनके जैसा ब्रह्मचारी अपना लो, उनके जैसा लाइफस्टाइल
स्टाइल कर लो, वो बिना कपड़ों के मेट्रो में तो नहीं घूम रहे, वो बिना कपड़ों के पैदल घूम रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल ट्रेवल करते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं, और अघोरी तो मैं कह रहा हूँ पहाड़ों से भी पैदल ही आते हैं इतनी दूर दूर। अब आपको मजे, आपको प्लेजर, आपको स्वाद तो चाहिए एकदम कॉमन पीपल वाला, और फिर अपनी एक हरकत को तुम जस्टिफाई कर रहे हो उस इंसान से जो कॉमन लोगों की तरह अपनी जिंदगी का 1% भी हिस्सा नहीं जी रहा। वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया भर के त्याग किए हुए हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के क्लाउड नहीं ले रहे, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के नहीं कह रहे मुझे एक्टर बनना है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के नहीं कह रहे मुझे फॉलोअर्स दो, वो क्लाउड के लिए सब नहीं कर रहे। तो आप उनके 1% होके दिखा दो, उसके बाद आपको खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रही बात उर्फी जावेद या फैशन इन्फ्लुएंसर्स की, अब देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फैशन बोल्डनेस एंड मेंटल इलनेस। फैशन इन्फ्लुएंसर जो भी कर रही है, या तो वो अपने घर पे कर रही है, या अपने स्टूडियो में कर रही है, या वो एक स्पेसिफाइड जगह कर रही है। अगर कोई बिकनी शूट भी कर रहा है, कोई सेमी न्यूड शूट भी कर रहा है, कोई न्यूड शूट भी कर रहा है, वो एक स्पेसिफाइड जगह है, वहां पे लोग उस जोन में उस एनवायरमेंट में आए उसी लिए हैं, वो उनका काम है, वो किसी एड के लिए कर रहे हैं, वो किसी कैंपेन के लिए कर रहे हैं, वो किसी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, वो ये सब पब्लिक प्लेस पे नहीं कर रहे। मतलब कि एक पर्टिकुलर माहौल बनाया गया है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। सेम गोज विद उर्फी जावेद, वो जो भी एक पर्टिकुलर फैशन फॉलो कर रही है वो अपने घर से कर रही है, अपने स्टूडियो से कर रही है, अपने कैमरामैन अपनी टीम के साथ कर रही है, उसको जहां जिन इवेंट्स पे बुलाया भी जा रहा है वहां पे उसको बुलाया भी इसीलिए जा रहा है, वहां पे लोग रेडी है उस सब चीज के लिए कि उर्फी जावेद आ रही है, हमें उर्फी के साथ ये एडवर्टाइजमेंट करना है, हमें उर्फी के साथ ये प्रमोशन करना है, हमें उर्फी के साथ ये इवेंट करना है, और वो अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करके जा रही है। या तुमने उर्फी जावेद कहीं बस में देख ली, या मेट्रो में देख ली, या फ्लाइट में देख ली ऐसे। बट जो आप कर रहे हैं, इसको एक टर्म मिली है, मेंटल इलनेस। किसी के अटायर, किसी के आउटफिट पे आप उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चॉइस व्यक्तिगत है। हम भी मानते हैं कि भाई कपड़ों को नापने को स्केल थोड़ी बनी है कि इस स्केल से ऊपर के होंगे तो भैया वल्गर हैं, इस स्केल से नीचे के होंगे तो एकदम ओके हैं सोसाइटी के लिए। पर आप कहां पे, किस जगह पे क्या पहन रहे हो, वो आपकी समझदारी जरूर दिखाता है। अब एक शादी में दूल्हा शॉर्ट्स पहने हुए अच्छा नहीं लगेगा, वहीं एक जिम के अंदर बंदा शेरवानी में जिम करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, बीच पे लड़की लहंगे में घूमती हुई अजीब लगेगी, और मेट्रो में लड़की बिकनी में घूमती हुई अजीब लगेगी, क्योंकि आप ऐसी बेवकूफ हरकत करते हुए ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल भले ही ना हो रहे हो, बट आप से पब्लिक तो हो रही है। तो आपने मेट्रो को ही क्यों चुना? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेट्रो को चुना, मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं इन्हीं क्लोथ्स में जाती हूँ। सही है भाई, कौन सी कंपनी है जो ऐसे कपड़े अलाउ कर रही है अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज को? यहाँ तो कोई फॉर्मल वियर की जगह कैजुअल वियर पहन के चला जाए, एक दिन उस दिन बॉस के पेट में मरोड़े हो जाते हैं, फीलिंग सैड फॉर हर कलीग्स। जैसे कि ये कह रही है कि मैं तो हर जगह इन्हीं कपड़ों को पहन के जाती हूँ, तो कभी मुझे मेरठ से शामली वाली रोडवेज में तो दिखी नहीं, बल्कि कहीं वाली रोडवेज बस में नहीं दिखी मुझे, ये मुझे ट्रेन में नहीं दिखी है, ये मुझे दिल्ली के बाहर किसी सड़क पे नहीं दिखी है। ये चूज भी वही जगह कर रही है जहां पे इनको क्लाउड मिलेगा, जहां पे इनकी ये सब हरकतें चल सकती हैं, और जहां पे एंड ऑफ द डे बहुत सेफ फील कर रही है उस एनवायरनमेंट में। इसके बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स को इस चीज के बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं पता, बहुत ज्यादा और बहुत कम जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो एक ही बार पता चलेगा जितना पता चलना है घर वालों को। ये ऐसे है कि एक दिन पता चला नीचे क्या पहना है, एक दिन पता चला ऊपर क्या पहना है, इन सब बातों से दीदी का IQ तो पता चल रहा है कितना है। क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली है? फ्यूचर प्लान मेरा हमेशा से यही है कि I want to become an actress, I want to come on screen. बिल्कुल, ऋतिक रोशन ने वॉर 2 की स्क्रिप्ट इसीलिए तो रुकवाई हुई है कि एक बार इनको हीरोइन फाइनल करो, फिर इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे स्क्रिप्ट। यार न्यूज वालों, इनको ट्रोल कर रहे हो तो इतने सीरियस फेस के साथ मत करो यार, उसको पता भी नहीं चल रहा कि सरकैज़म चल रहा है, वो सीरियस ले रही है इन बातों को। एक्टर छोड़ो, कोई वैनिटी मैन के शीशे साफ करवाने के लिए भी अगर रख लेना तो बड़ी बात है। ये तो वही है ना, इंडिया में है लड़का और लड़कियों के बीच में डिफरेंस, तो ये तो उसी की वजह से है। इट्स नॉट अ वेरी शॉकिंग थिंग। इसी वेरी शॉकिंग थिंग डिफरेंस की वजह से आप शायद जेल जाने से बच गई हो। अब इंडिया में यही ये हरकत कोई लड़का कर देता ना, जेल तो जाता है बेचारा पहले ही घंटे में, साथ में जितना मेंटल हैरेसमेंट उसका होता है इंटरनेट पे वो अलग। बस कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करके जब ट्रोल हो जाओ तो बोल दो कि इंडिया में है इसलिए हो रहे हैं, बाहर तो भैया अरे बाहर तो ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, कपड़े नाम की भी चीज नहीं पता उनको, तो हर चीज बाहर से जस्टिफाई कर दो। बाहर तो 1,00,000 शादी करके घूम रहे हैं लोग, अरे भाई बाहर भी लोग बहुत सभ्य हैं, बाहर भी लोगों के परिवार अच्छे खासे चल रहे हैं, ये बस बाहर के एग्जाम्पल दे गए अपना कल्चर खराब कर लो, बाहर भी इस चीज को बेवकूफी बोलेगा कोई? मैंने नहीं देखा बाहर के किसी ट्रेन में किसी टैक्सी में लोग ऐसे घूमते हुए। मुझे हमेशा से ही यही करना था, अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। बचपन में किसी का ड्रीम आर्मी में जाने का था, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का एक्टर बनने का, पर दीदी का ड्रीम बचपन से ही मेट्रो में अटेंशन लेने का था। वाओ, ये तो गोल्स के भी गोल्स हो गए। और चलो इनके इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं लोग, वो ठीक है, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी ये जानने की है कि इनको कॉलर माइक कहां लगा रहे हैं। एक फिल्म स्कूल वालों ने इनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने माइक यहां पे टांगा हुआ,
हुआ है कुर्सी में पीछे. बीइंग एबनॉर्मल इज द न्यू नॉर्मल. अब बात आ जाती है उन लोगों की जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ सोच समझ के सपोर्ट कर रहे होंगे. ऑब्वियसली ऐसे इंसान हर जगह आते हैं जिसके अगेंस्ट सब कुछ उसको सपोर्ट करने, जिसके सपोर्ट में सबको ये उसके अगेंस्ट बोलने. मैं अपनी बात नहीं कर रहा. तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हमेशा सिर्फ कीबोर्ड सपोर्टर मत बनो इंटरनेट पे. हमेशा उस चीज के बारे में वैसे बोलो जो चीज तुम अपने घर वालों पे अपने बच्चों पे अप्लाई करा सकते हो. अगर आप किसी चीज का सपोर्ट कर रहे हो आप ये सोचो कल को अगर आपके बच्चे आपके रिलेटिव्स आपके माँ बाप ये सब करने लगे क्या तब भी आप इसी तरीके से इसी इंटेंसिटी के साथ उनको सपोर्ट करोगे. अगर कर पाओगे तो बिल्कुल सपोर्ट करिए भाई. फिर मैं कहूंगा कि हाँ आपका पर्सनल ओपिनियन आपका पर्सनल सपोर्ट है आप जिसको देना चाहते हो दो. लेकिन ऐसे ही कि कोई बेवकूफी कर रहा है आप उसको इंटरनेट पर कट 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 हाँ भाई तेरी मर्जी कुछ भी कर तेरी मर्जी भाई कुछ भी कर. अगर आप खुद पे ही अप्लाई नहीं कर सकते तो आप उस चीज के लिए दूसरे को क्या सपोर्ट कर रहे हो. और इस चीज पे जितने कंफ्यूजन जितने अलग अलग ओपिनियंस है ना मैं उनका एक ही आंसर कर देता हूँ. यहाँ पे सारी बात है पब्लिक प्लेस और पर्सनल स्पेस की. जब आप एक पर्सनल स्पेस में हैं तब आप कुछ भी करो वहां पे आपकी मेरी मर्जी की थ्योरी पूरी चलेगी. बट जब आप एक पब्लिक प्लेस पे आ गए तो आपको मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ता है कि आपकी वजह से दूसरे लोग तो प्रॉब्लम में नहीं आ रहे क्योंकि पब्लिक प्लेस पे आपके सारे एक्शंस दूसरों पे रिफ्लेक्ट होते हैं. अब मेरी मर्जी करते हुए अगर देश के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति बनने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना. अगर कोई कहे मेरी मर्जी में तो इसलिए बन रहा हूं क्योंकि पब्लिक का काम है तो पब्लिक ही चूज करती है क्योंकि जो बनेगा वो पब्लिक पे ही रिफ्लेक्ट होगा. अब मेरी मर्जी तो बैंक लूटना भी है लेकिन वो मेरी मर्जी पुलिस की मर्जी के साथ नहीं चलेगी ना. वो मुझे जेल में डाल देंगे वो कह देंगे ये हमारी मर्जी. मेरी मर्जी तो सड़क पर गाड़ी ऐसे ऐसे खड़ी करने की भी है बट वो पब्लिक प्लेस है वहां पे दूसरे लोगों को दिक्कत हो जाएगी मेरी मर्जी से. अब मैं कहने लगूं मेरी तो मर्जी है भाई यूं मेरी गाड़ी मेरी मर्जी मैंने रोड का टैक्स रखा मैं तो यूं खड़ी करूंगा. आप अपने घर में कैसे भी खड़ी कर लो आप एक टायर उठा के खड़ी कर लो आप छत पर खड़ी कर दो गाड़ी ले जाके कोई दिक्कत नहीं है. वहां आप अपनी मर्जी पूरी चलाओ क्योंकि वहां आपकी वजह से किसी और को दिक्कत नहीं हो रही. मेरी मर्जी सिर्फ वहां तक चल सकती है जहां उसका इंपैक्ट उसका रिफ्लेक्शन उसका रिएक्शन उसके रिजल्ट सिर्फ आपके ऊपर लागू होते हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी करियर चॉइस फॉर एग्जाम्पल आपकी चॉइस ऑफ पार्टनर फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन की चॉइस. वहां आप उसको अच्छे से चूज करो आप उसको खराब चूज करो आप चूज ही मत करो उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरों की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं बन रही उससे. वहां आप अपने मास्टर खुद हो. और जो लोग लॉ एंड ऑर्डर का एक्सेप्शन ले लेते हैं भाई स्पेसिफिक रूल तो पब्लिकली नहाने और रगने के भी नहीं है. उसके बाद भी आप ये सब नहीं कर सकते ना. मेट्रो में जाके नहाना शुरू कर दोगे या प्लेन में सीटों के बराबर में पोटी कर दोगे. वहां पे आपकी डिग्निटी आपका कंफर्ट जोन अफेक्ट हो ना हो दूसरों का तो हो जाएगा ना. रूल्स तो इस चीज पे भी नहीं है कोई स्पेसिफाइड तो ये सब करना शुरू कर दें. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है. उसके बाद भी कुछ लोग बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं स्पीच के ऊपर ही. जेल जा रहे हैं बड़े बड़े एक्ट लग रहे हैं उनके ऊपर जस्ट बिकॉज देर इज अ वे देर इज अ टाइम देर इज अ सिचुएशन टू डू सर्टेन थिंग्स. आप हर जगह हर चीज लेके नहीं घुस सकते. और इन्हें भी मैं कहूंगा यार आपको फैशन दिखाना है आपको बोल्डनेस दिखानी है आपको कुछ भी पहनना है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे कुछ भी पोस्ट करो. लोग खूब करते हैं बिकनी फोटोज पोस्ट करते हैं इवन सेमी न्यूड न्यूड पोस्ट करते हैं. हम खुद अप्रिशिएट करते हैं भाई अच्छे लग रहे हो नहीं अच्छे लग रहे हो जो भी जिसको पसंद आएगा आपको अप्रिशिएट करेगा आपको फॉलो करेगा जिसको नहीं पसंद आएगा वो नहीं करेगा. इवन जिसको वहां पे नहीं पसंद आएगा और वो आपको ट्रोल करने या कमेंट करने की कोशिश करेगा फिर तो आपको पब्लिक भी सपोर्ट करेगी कि भाई उसकी मर्जी हो कुछ भी पोस्ट करे तुझे नहीं अच्छा लग रहा छोड़ चल तो सब कुछ रहा यार आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया आपको जितना अलाउ कर रहा है उसमें कुछ भी पोस्ट करो. वहां आपका पर्सनल स्पेस है और इवन वहां पे आपको अप्रिसिएशन भी दुनिया भर का मिलेगा. खैर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरी मर्जी. सो वीडियो में खत्म करते हैं और तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना ना भूले. बोलता हूँ ना फॉलो करना है इस बारी मेरी मर्जी है तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी के आगे नहीं चलेगी. और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स भाई जाओ मतलब इतने मस्त मस्त व्लॉग आ रहे हैं. अभी तो पहले दूसरे स्टैंडअप का भी आ गया टूर का भी व्लॉग आ गया वहीं पे तुम्हें स्टैंडअप के बारे में पता चलेगा. और 10 अप्रैल को बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ मैच के लिए अपनी टीम बनाओ माइलन सर्कल ऐप पे और पाओ मौका जीतने का एक ब्रांड न्यू iPhone 14. और मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आप मौका पा सकते हो जीतने का एक न्यू ऑडी A4 कार प्लस 1 crore rupees. और कूपन कोड यूज करने वालों को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन द फर्स्ट डिपॉजिट प्लस 1500 rupees bonus भी.